नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन लाइव और मैं हूं चंदन। सिवान में मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो गया और बता दें कि सिवान की निर्दलीय प्रत्याशी हिना शहाब सिवान लोकसभा क्षेत्र के अपने गांव प्रतापपुर स्थित उर्दू विद्यालय पर पहुंची और वहां पर अपने मत का प्रयोग की। तस्वीरें देख सकते हैं जो कि हिना शहाब और उनकी सासू माँ यानी कि पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी साथ में पहुंची हुई हैं और ये अपने मत का प्रयोग देने के लिए हिना साहब पहुंची हुई हैं। तो बिल्कुल ये तस्वीर सिवान के प्रतापपुर से जो हम आपको दिखा रहे हैं कि ऐसे एटीएन लाइव पर एक्सक्लूसिव तस्वीर सिवान के प्रतापपुर गांव से हिना साहब अपने मत का प्रयोग करने के लिए उर्दू मध्य विद्यालय पर पहुंची है और किस तरीके से चेहरे पर मुस्कान है तस्वीरें आपके सामने है। हिना साहब से बातचीत भी हुई, उन्होंने कहा कि टेम्पू सब पर भारी है और इस बार दिल्ली तक पहुंचेगा टेम्पू, लोगों ने पूरा हमको भरपूर समर्थन भी किया है। तो सीधे आप देख सकते हैं कैसे अपने मत का प्रयोग करने के लिए हिना साहब प्रतापपुर के बूथ पर पहुंची हुई हैं, जो हम एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको एटीएन लाइव पर दिखा रहे हैं। और अपने मत का प्रयोग करने के बाद मीडिया से बातचीत की हिना साहब ने कही कि किसी तरह की कोई लड़ाई नहीं है, एक तरफा लोगों ने मुझे समर्थन दिया है। तो बिल्कुल एक बार फिर से एक्सक्लूसिव तस्वीर सिवान से। लोकसभा का चुनाव हो रहा है सिवान में, 13 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला बंद हो जाएगा, लेकिन मुकाबला जो है वो बताया जा रहा है कि त्रिकोणीय मुकाबला सिवान में देखने को मिल रहा है। हिना साहब पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की पत्नी है, तो आरजेडी से अवध बिहारी चौधरी हैं और एनडीए से विजय लक्ष्मी कुशवाहा, निर्दलीय जीवन जाधव। तो पूरी तरीके से ये तस्वीर आप देख सकते हैं सिवान के प्रतापपुर गाँव से, जहाँ पर हिना साहब पहुँची हुई हैं अपने मत का प्रयोग करने के लिए। एटीएन लाइव के लिए आशीष के साथ चंदन कुमार, सिवान। यहाँ पर अभी बताया जाएगा तब अंदर जाइएगा। अभी थोड़ा पहली बार आ रहा आप इनके
वोट गिराया अपने बूथ से, बूथ नंबर 29 से, अपने गांव का जहां पे शाहबुद्दीन साहब का जन्म भूमि है, यही हम लोग रहते हैं, यही गांव हमारा प्रतापपुर है। और मैं चाहती हूं कि जो भी सभी लोग मुझे जो आगे बढ़कर आशीर्वाद और दुआएं दी है, मैं उस पर खरी उतरूं, और मुझे विश्वास है कि इस बार मुझे सेवा का मौका मिलेगा हमारी, और इन्हीं के दुआओं के साथ आगे बढ़ना है। मेरी माँ है, मेरी सास है, सब कुछ यही है। आपने जिस तरीके से जो चुनाव की शुरुआत की, उस जिस रूप में मुझे देखना चाहा, मैंने कहा मैं सभी के लिए बराबर हूँ, मुझे हर रूप पसंद है, मुझे हर रंग पसंद है। क्या लग रहा है कि उसका कितना असर दिखाई दिया इस चुनाव? 100% सभी समुदाय के लोगों ने बढ़ चढ़ कर इस चुनाव में हिस्सा लिया, और मुझे विश्वास है कि मुझे मौका मिलेगा सिवान का सेवा करने का। बातचीत के दौरान बताया है कि किसी से किसी तरह की कोई लड़ाई नहीं है, और इन्होंने कहा है कि लोगों ने जिस रूप में मुझे चाहा, मैं उनके सामने आई, और लोगों का भरपूर समर्थन भी हमें मिला है। हमारे